हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, ये मेरा जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर, ये उसी का ही अगला पार्ट है जिसमें मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने एक जगह स्ट्रक नहीं होना, उससे आगे बढ़ते रहना है, मिस नहीं करना। तो आपने क्या करना है, अब मैं उस सिचुएशन से निकलने की बात कर रही हूँ कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि जब सेपरेशन पीरियड चलता है तो हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं, हम अकेलापन महसूस करते हैं। तो अब हमने इसको, इससे आगे कैसे बढ़ना है, अपना स्टेप आगे कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने एंजल्स से प्रे करनी पड़ेगी कि हे एंजल्स, प्लीज़ मुझे है मेरी हेल्प कीजिए इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि एंजल्स जो हैं वो आपके कहने पर ही आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप उनसे हेल्प मांगते हो तो वो हेल्प करेंगे, वो अपने आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। ये उनको ऑर्डर ही नहीं है डिवाइन की तरफ से, आप उनसे हेल्प मांगोगे तब वो आपको हेल्प करेंगे। तो हमें इस जर्नी में उनकी हेल्प चाहिए, हम उनसे हेल्प मांगेंगे क्योंकि उनको डिवाइन ने हमारी हेल्प करने के लिए ही भेजा है हमारे साथ। तो आप अपने एंजल्स से हेल्प मांगिए अपनी इस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ मांगिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस मांगिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मांगिए कि आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी आए, और उनसे ये भी मांगें कि आप इस जर्नी में उनकी हेल्प, वो आपकी हेल्प करें, आपको रास्ता दिखाएं। क्योंकि वो हमें फिर नंबर्स नंबर्स के थ्रू, जैसे सिंक्रोसिटी नंबर, नंबरोलॉजी वगैरह सब चीज़ चलता है। फिर एंजल्स डायरेक्ट तो बात नहीं करते हैं, लेकिन वो नंबर्स के थ्रू अपने मैसेज सेंड करते हैं। वो जब भी आपको एक नंबर बार बार नज़र आता है तो आप उस पर, उसको गूगल पे सर्च कीजिए और उस पर देखिए कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपको रोना नहीं है, आपको ये सोचना है कि वो अपनी जर्नी में चल रहा है, आपने अपनी जर्नी में चलना है। आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको एक होमवर्क दिया है और उसको भी होमवर्क दिया है। तो भगवान का ये है कि वो चाहते हैं कि वो अपना होमवर्क अपना क्लियर करे और आप अपना होमवर्क क्लियर करें। ठीक है, ये तो समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो वो अब देखिए, आपको पता है कि आप इस जर्नी में चल रहे हो, लेकिन उसको नहीं पता कि इस जर्नी में नहीं है। वो अपना, देखो, उसको नहीं पता होने के बावजूद भी वो परमात्मा को अपना बेस्ट दे रहा है, अपना अपने टेस्ट में। और आपको पता है कि आप इस जर्नी में हो, लेकिन फिर भी आप रो रहे हो या अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हो और उस चीज़ में अपने आप को स्ट्रक करके रखा है। नहीं, आपको भी अपना बेस्ट देना है, आपको अपना 110% देना है अपनी इस जर्नी में। आपने डिवाइन को अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो आपने अपनी जर्नी में अपने ऊपर वर्क करना है। उसको उसको छोड़ दीजिए, वो कर रहा है अपना, वो जो कर रहा है वो भी आपके पास वापस आने के लिए ही कर रहा है। वो जो अपने कर्मस क्लियर कर रहा है, वो अपने कर्मा क्यों क्लियर कर रहा है, क्योंकि उसने आपके पास वापस आना है। उसने भी आपको ज्वाइन करना है, आपको फॉलो करना है उसने। तो अब उसके जो लेसन्स पढ़े हैं उसने भी तो क्लियर करने हैं। अगर भगवान ने आपको मिलाया है तो इसलिए नहीं मिलाया कि भी आप एक दूसरे से अलग हो जाओ, इसलिए मिलाया है भी अब आपका जो सोल मिशन है, जिस पर्पस के लिए आप आए हो इस धरती पे, वो पर्पस के लिए लायक बनाने के लिए आपको ये जर्नी दी गई है। आपको सेपरेट कर दिया, आपको उस पर्पस पर वर्क करने के लिए लायक बनाया जा रहा है। आप जो ऊपर भगवान से वादा करके आए हो, आप वो टाइम आ गया है उस वादे को निभाने का, उस पर वर्क करने का और उसके काबिल बनने का। ये आपको सेपरेशन पीरियड आपको काबिल बनाने के लिए दिया गया है। उसको बोला कि भाई तू अपने कर्म क्लियर कर, तब तक ये
अपना डिवाइन वर्क करती है, अपने आप पर वर्क करती है, आत्म ज्ञान पाने के रास्ते पे चलते हो आप, ठीक है। तो वो अपने कर्मास क्लियर करने पे लग गया, ठीक है, लग गया या लग गई, कोई भी एनर्जी कोई भी हो सकती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप इस जर्नी में अकेले हो, अकेले नहीं हो, वो भी चल रहा है, लेकिन वो अपने तरीके से, भगवान ने उसको कार्य दिए हैं, वो कर रहा है, आपको अपने तरीके से कार्य करने हैं जो भगवान आपको दे रहे हैं। तो आप पीछे मत हटिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। आपके साथ आपके भगवान हैं, आपके एंजल्स हैं और आपके यूनिवर्स आपके साथ है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए इस जर्नी, उसको एक साइड पे ये बात सोच कर कि वो भी अपना कार्य कर रहा है, मुझे अपना कार्य करना है, बस चलते चलिए आप इस जर्नी में, ये सोचकर जब भी उसकी याद आए उसको बोलो भाई तू अपना कार्य कर, मैं अपना कार्य कर रही हूँ, ठीक है, हम मिलेंगे। अपने आप को ऐसे बोलना है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा ब्रह्मांड है, हमारी हेल्प कर रहा है, इस बात को मानिए, समझिए और बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, आगे देखिए, पीछे मत देखिए, जो पीछे हो चुका है उस पर आप ध्यान ही मत दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आपको अपने आप आपके एंजल्स आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, वो अपने आप आपको गाइड करते जाएंगे कि कैसे बढ़ना है आगे, क्या करना है अब आगे, एक बाय वन आपको वो गाइड करते जाएंगे। आपकी नॉलेज, आपको मैसेज ऐसे या मैसेज आते जाएंगे, या आपके आगे वो वीडियो ऐसी खुलती जाएंगी, या कोई मैस उनका जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, जिसके थ्रू आपकी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे वीडियोज़ आपको आते जाएंगे आपके आगे कि आप इस पर अब ये वर्क करना है, मतलब कुछ ना कुछ आपको नॉलेज के लिए कुछ ना कुछ वो देते जाएंगे मैसेज। तो आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, आपको फोकस करना है अपने आप पर। आप अपने आप पर फोकस करोगे तभी आप किसी चीज़ को फॉलो करोगे करोगे ना। तो अगर आप ऐसे ही मायूस होकर बैठे रहोगे एक साइड पे, तो एंजल्स आपको मैसेज भी देंगे तो आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आपका तो ध्यान कहीं और ही है। आप अपने आप पर फोकस करोगे, ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, तो अपने आप आपको मैसेज मिलने शुरू हो जाएंगे। आप परमात्मा पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, और जैसे जैसे इस जर्नी में आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ती जाएगी। इस जर्नी के बारे में आपको खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा कि ये जर्नी क्या है, इस पर कैसे चलना है, क्यों। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी ऐसे ही वीडियो बना रहे होंगे, या जो जैसा आप सोल मिशन, जो आप परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट करके आओगे उस पर चल रहे होंगे, और जब आप पीछे को देखोगे तब यही जो आज हम लोग बता रहे हैं अपनी वीडियो बनाकर, ऐसा ही आप किसी और को भी गाइड करोगे। सिर्फ आपको अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना है, और लो एनर्जी में नहीं रहना, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना। नेगेटिव एनर्जी तो चाहती है कि आप आगे मत बढ़ो, नेगेटिव एनर्जी तो चाहती है कि हम लोग आगे ना बढ़ें। यही तो हमने अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमने परमात्मा के रास्ते पे चलना है, इन सभी सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के। नेगेटिव चीज़ों का कोई कोई वजूद नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम एक सोल हैं, उस परमात्मा का अंश हैं, हम पर नेगेटिव चीज़ों का कोई असर नहीं होता। ये दिमाग में रखिए कि हम सोल हैं, उस परमात्मा का अंश हैं। यही तो बात अब याद दिलाने के लिए परमात्मा ने हमने ये जर्नी दी है हमको कि आप कौन हो, पहचानो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम पर नेगेटिव धरती की नेगेटिव चीज़ों का असर नहीं होना चाहिए। अब इन चीज़ों को छोड़ो, भूल जाओ, अपनी पावर में आओ, अपनी शक्ति में आओ, और नेगेटिव चीज़ों को अंदर से निकालो, ख़त्म करो इनको, ये तुम्हारी नहीं है, आगे बढ़ो, अपने आप को पहचानो, क्या हो तुम, ये जर्नी तुम्हारी है, इसमें तुम ही तुम हो, अपनी शक्तियों को जानो, अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो फुल पावर के साथ। अपने आप को बोलो नेगेटिविटी मुझ पर हावी नहीं हो सकती, मैं उस परमात्मा का अंश हूं, मुझ पर नेगेटिविटी हावी नहीं हो सकती, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ।
ये बातें अपने आप को दिन में कई बार दोहराइए, जब भी आप लो फील करें, जब भी आप लगे कि आपका मूड खराब हो रहा है, जब आप किसी को डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आप रो रहे हो जब कुछ, तब आप उसी वक्त आप अपने आप को मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को ये बातें बोलिए, ठीक है। मायूस नहीं होना अपनी इस जर्नी में, बिल्कुल पावर पावर में रहना है हर टाइम। अपने आप को पहचानो, आप एक पावर वुमेन हो, ओके, आप एक शक्ति हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को उजागर करो। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब शिवा जी ने शक्ति जी की काली रूप को करवाना था, उनको याद करवाना था, माता अपने नर्म एक माता के रूप में ही रह रही थी, लेकिन उनका जन्म हुआ था जो राक्षस जो हैं उनका खात्मा करने के लिए, ठीक है, उनका खात्मा करने के लिए शक्ति जी का जन्म हुआ था, लेकिन जो माता थी वो इस चीज़ को जान नहीं पा रही थी, अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पा रही थी, तो शिवजी जी ने उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए उनसे सेपरेट हो गए थे। तब माता को भी ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, वो मुझसे सेपरेट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने शिवाजी ने मतलब पार्वती माता को उनकी शक्तियाँ, उनकी पावर उनके अंदर लाने के लिए ये सब किया था। तो जब माता जी अपनी शक्तियों को पहचानी, अपनी पावर में आई, तो उन्होंने काली का रूप धारण किया, ठीक है, वो उनकी शक्ति थी, वो इस शक्ति में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके ऊपर ममता का मोह चढ़ा हुआ था, ममता में थी, मोह में थी वो, क्योंकि सभी को, क्योंकि वो माता है, जगत माता है, वो सभी को अपने बच्चे समझ रही थी, वो मतलब राक्षसों को भी अपना बच्चा ही समझ रही थी, कि वो गलतियां कर रहे हैं, वो उनको माफ करने करने पर ही थी, ठीक है, गलती की, माफ किया, तो राक्षस भी ऐसे ही चालें चल रहे थे। तो अब हम लोग क्या हैं, तो हम में जो नेगेटिविटी है वो हम पर चालें चल रहे हैं, हमको दबा रहे हैं, हमको मोह में डाल रहे हैं, हमको रुला रहे हैं, उसकी याद के मोह में डाल रहे हैं। तो हम क्या है, शक्ति, हमने अपने अपनी शक्ति में आना है, हमने ये चीज़ें हटानी है अपने आप से, अपनी पावर में आना है कि नहीं, हम जिस मिशन के लिए नीचे आए हैं हमने वो करना है। तो नेगेटिव चीज़ें चाहती हैं कि आप अपने सोल पर्पस पे ना आए। तो हम मतलब हम लोगों को धरती पे किस लिए भेजा है वो मैं भी आपको क्लियर करूँगी। जब आप वो क्लियर कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, असल में क्या हो, और आप किस लिए आए हो नीचे, धरती की हेल्प किस तरह, आप धरती की हेल्प करने आए हो नीचे। हम लोगों को धरती की हेल्प करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, तो हमें अपनी शक्ति में, अपनी पावर में आना ही है। हम आएंगे और हम इस नेगेटिविटी को खत्म करेंगे, ऐसे अपने आप को कीजिए, अपने आप को ही ऑर्डर दीजिए, अपने आप में पावर लाइए, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए। आप अपने आप को जितनी बार भी आपको ऐसा लगता है, आप उतनी बार ही अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को आप अपने वो कीजिए, सूचना दीजिए ऐसे ही बोल बोल कर, और मेडिटेशन कीजिए, प्रभु डिवाइन से अलाइन होइए, यूनिवर्स से अलाइन होइए, वो अपने आप आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाते जाएंगे इस जर्नी में। लेकिन आपने ट्रस्ट नहीं छोड़ना डिवाइन पे, और लूज नहीं करना, मीन्स आपको ट्रस्ट करना होगा अपने डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, और आगे बढ़ते जाना है पूरी फुल पावर के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको ये एक स्टोरी है कि हम अपने परमात्मा के साथ कौन सा प्रॉमिस करके आए हैं नीचे, हमें उन्होंने किस वजह से नीचे अर्थ पे भेजा है, हम लोगों को पैदा किस लिए किया है डिवाइन ने, किस मिशन की बात होती है, कौन सा सोल मिशन है सभी का धरती पर आकर करने का, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आज इतना ही, आप अपने आप की पावर में रहिए, अपनी शक्ति में रहिए, अपनी शक्ति को उजागर कीजिए, अपनी पावर को उजागर कीजिए, अपने आप को पहचानिए, आप कौन हो, आप उस परमात्मा के अंश हो,
आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई डुला नहीं सकता, ओके, आपको कोई रुला भी नहीं सकता, क्योंकि आप एक शक्ति हो, आप एक शक्ति हो, आप अपने आप को पहचानो, ओके, ठीक है, आज सिर्फ इतना ही, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, उसमें आपको फिर से वो डिवाइन वाली जो पूरी स्टोरी है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल.